गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग राधे राधे। तो आप सोच रहे हो मैं कहाँ बैठी हूँ, तो मैं धूप में बाहर बैठी थी क्योंकि लाइब्रेरी गई नहीं थी, संडे था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। और ये मेरे पापा भाई और ये गांव का प्रधान है तो वो बात कर रहे थे आपस में, और फिर मैंने आके अपनी क्लास ली 8 बजे वाली। आपको पता होगा गागर में सागर मैथ की स्टार्ट हो गई थी 8 बजे, और पता नहीं है कितनी बजे तक चलेगी, कुछ टाइम नहीं है फिक्स, क्योंकि इसमें सर 250 क्वेश्चन कराएंगे और मैथ के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्लास स्टार्ट हो गई थी, आप ये भी बोल सकते हो कि ये क्लास रिकॉर्डेड भी है, क्योंकि कमेंट भी आए थे मेरे पास कि ये क्लास रिकॉर्डेड देखते हो आप, और देख लो आपके सामने ये लाइव चल रही है और कमेंट वगैरह भी हो रही हैं। आप देख सकते हो 8 बजे स्टार्ट होती है ये क्लासेस। और ये मैंने अपनी नोटबुक वगैरह निकाली, पेन वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी तो करने होते हैं। और यहाँ सर हमको बता रहे थे कि कितने बजे तक क्लास चलेगी, कितने क्वेश्चन वगैरह सब बता रहे थे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमको करने हैं, किस तरीके से करने हैं, कौन से कौन से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को हमें करना है। और जैसे मैं नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो पता रहता है कि क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। और मैंने देखा कि मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी कम है, तो चार्जिंग थोड़ी दूर लग रही है मेरे जो बेड है वहाँ से, क्योंकि मैं सुबह उठते ही लेने लग जाती हूँ, तो ऐसा फिक्स नहीं रहता कि यहाँ चार्ज का पॉइंट है या नहीं है। मेरे को दिमाग ख़राब हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते ये और टेंशन हो जाती है कि चार्ज लगाओ और कहीं दूर बैठो, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत पूछो ही मत। और ये सर हमको बहुत ही अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दे रहे थे कि हाँ किस तरह हमको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन सारे। और आप भी बताओ आप इस क्लास को लेते हो या नहीं लेते हो। और सुबह उठते ही बहुत ही आनंद की आहूति हो रही थी कि पढ़ने का मन करता है, और हम जग चुके थे अपने सही टाइम 7 बजे, और रात को मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो आपको आंखों में मेरी नींद दिख रही होगी, तो बहुत ही दुविधा के साथ मेरा दिन जा रहे हैं आजकल 2-3 दिन, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो ये सर गागर में सागर सीरीज की टाइम टेबल बता रहे हैं, हिंदी की हो चुकी है, आप सबको भी पता होगा, आपने भी लिया और मैंने भी लिया। करंट अफेयर की भी शाम को लगी थी तो वो मैंने ली नहीं क्योंकि सूट नहीं कर पाई मैं इस वजह से। और कल है हमारी फेवरेट रीजनिंग की, जो सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने वाला टॉपिक है, तो प्लीज़ उस टॉपिक को आप ज़रूर लेना। और सबसे पहले सर ने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे, उन्होंने बोला था चैप्टर वाइज कराऊंगा, किसी के 20, किसी चैप्टर के 15 और किसी के 25, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके 25। और उन्होंने 2D और 3D वाली क्वेश्चन की क्लास ले ली थी, तो इस वजह से इसमें 2D और 3D वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सर ने बताया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ और आप आंसर बताते जाना क्या क्या है। और मैंने भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करती गई थी क्योंकि अच्छा लगता है सर से पहले अगर कर लो तो। और इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब जो अपने आप से विभाजित ना हो, उसमें यह पूछा गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास लेने का, और एक लंबा पीरियड था कि हाँ कि ऐसा भी हो कि ऐसा लगा ना लगे कि बोरिंग फील हो रहा है मेरे को, और आप आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि बोरिंग हो जाते हैं यार इतने टाइम में, और ना खाना ना पीना ना कुछ भी, और लाइव क्लासेस में तो यही दिक्कत ज़्यादा ही। बट मैं इस क्लास को आधी लूँगी, आधी नाइट को लूँगी, क्योंकि इतना पूरा दिन लड़कियां नहीं ले सकती हैं यार, और भी तो काम होते हैं। और लाइब्रेरी जाओ तो पता रहता है कि हाँ 5-6 घंटे 6-7 घंटे ले आओ, और घर पे इतना नहीं हो पाता है। फिर ये क्लास मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जितना मेरे से हो पाया था, क्योंकि ज़्यादा ही क्वेश्चन और अपना टाइम हम इसमें देंगे ना तो बहुत ही सिर दर्द वगैरह हो जाता। फिर मैं नहाने के लिए तैयार हो गई थी, मैंने ऑयलिंग कर रखी थी अपने बालों में, क्योंकि बाल थोड़े रफ से हो गए थे जिससे टाइम हो गया था 12:30 बजे के करीब, आप देख सकते हो। और बीच में मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता है इस वजह से। और मैं नहा के आ गई थी और मेरे को लग रही थी भूख, सारी फैमिली गई थी शादी में, और टाइम हो रहा था देख लो 1 बज रहा होगा या करीब। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। कल रीजनिंग की है गागर में सागर सीरीज़,
तो आप जरूर जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। कैसे आप सभी, आपका ब्लॉग में स्वागत है।